फिरोजाबाद पीस पार्टी के जिला अध्यक्ष इमरान मंसूरी के नेतृत्व में घटिया निर्माण कार्य को लेकर फिरोजाबाद जिला प्रशासनिक अधिकारी महोदय को एक ज्ञापन सौंपा गया। नगर निगम वार्ड नंबर 62 में इमरान मंसूरी के नेतृत्व में एक वर्ष पूर्व पहले क्षेत्रीय जनता के साथ जलभराव की समस्याओं को लेकर 8 दिन धरना प्रदर्शन चला था। फिरोजाबाद जिलाधिकारी नेहा शर्मा जी के आदेश पर तहसीलदार महोदय ने मौके पर पहुंचकर धरना प्रदर्शन समाप्त कर 8 दिन के अंदर निर्माण कार्य शुरू कराने का आश्वासन दिया था। पीडब्ल्यूडी द्वारा सुपर फाइन रोड और नाले का निर्माण कार्य शुरू हो गया था। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी अधिशासी अभियंता अवर अभियंता की मिलीभगत से ठेकेदार ने घटिया निर्माण कार्य पूरा भी नहीं किया। इसकी शिकायत मेरे द्वारा 2 बार पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से की जा चुकी है, लेकिन इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। पीडब्ल्यूडी में अधूरा निर्माण कार्य को पूरा दिखाकर ठेकेदार का पेमेंट कर दिया। जिलाधिकारी महोदय के नाम एक ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी ममता सक्सेना जी को दिया है। 48 घंटों के अंदर घटिया निर्माण कार्य करने वालों पर कार्रवाई नहीं हुई तो जहां पहले धरना प्रदर्शन किया था उसी जगह फिर धरना प्रदर्शन उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। इस मौके पर वसीमुद्दीन अंसारी, जिला कोऑर्डिनेट सोहराब अली, रिजवान अली, अवधेश सिंह ठाकुर, गिरिराज सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। फिरोजाबाद नगर निगम वार्ड नंबर 62 में एक वर्ष पूर्व पहले पीडब्ल्यूडी द्वारा नाले का रोड का निर्माण कार्य कराया गया था, जिस रोड का नाम है सुपर फाइन रोड। इसकी शिकायत पीडब्ल्यूडी अधिकारियों से पहले मेरे द्वारा 2 बार की जा चुकी है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज जिलाधिकारी महोदय के नाम एक ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी ममता सक्सेना जी को हम लोगों ने दिया है और 48 घंटों के अंदर हमने मांग की है 48 घंटे के अंदर इस घटिया निर्माण कार्य की जांच हो, उस पर कार्रवाई हो और अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम लोग बहुत जल्दी धरना प्रदर्शन करेंगे। फिरोजाबाद से रिहान अली की रिपोर्ट।